इंदौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शहर में लगातार चूहे के आतंक से रहवासी परेशान होकर नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के पास समस्या लेकर पहुंचे। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की स्कीम नंबर 51 की यह समस्या है, जहां चूहों का आतंक इतना है कि लोग यहां परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से रहवासियों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। वहीं निगम प्रशासन को समस्या की सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं रहवासी अब मंत्री उषा ठाकुर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। चूहे इतने खतरनाक हैं कि लोगों को भी काट कर घायल कर रहे हैं। बता दें कि रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन नई नई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिससे यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। जरा बताएं क्या चूहे से कितने परेशान हैं? 3-4 महीने से मेरे यहाँ और आसपास के घरों में बहुत से चूहे, कभी तो चार चार की ग्रुप में और कभी अकेले हो, कभी कुछ छोटे चूहे भी घुसते थे, अब बड़े बड़े चूहे आके घुस रहे हैं और डिब्बा खोल डालते हैं, रोटियां खा जाते हैं और मशीन है पीछे जो वॉशिंग मशीनें रखी है उनको दो दो तीन तीन बार काट डाला, सुधरवा रहे हैं हम लोग बार बार। और इसके अलावा मतलब इतना परेशान करते हैं और हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, हमने वो पिंजरे रखे, कभी वो उसमें घुस जाते हैं तो हम लोग दूर दूर छोड़ के आते हैं और नहीं घुस पाते हैं। एक बार तो मैंने वो घुस गया था तो मैंने बाहर रखा तो उसने धक्का मार मार के बाहर निकल गया। कभी शिकायत कराई इस मामले को? शिकायत किससे? किसी अधिकारी से या नगर निगम में? नगर निगम को कंप्लेंट में लिखित में तो नहीं दी, मैंने कल फोन करके किया था तो कह ले आप, उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करो, कौन से मलेरिया वालों से, उन्होंने ये बताया था कि मलेरिया वालों से बात करो। मैंने कहा लोग बीमार हो जाएंगे इससे, तो इससे बीमारियां होती हैं, तो कह ले मलेरिया वालों से बात करो, इतना मैंने करा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। कितने सालों से परेशान है? 3-4 महीने से, अभी से नहीं है, रोज से नहीं है। कितने लोग कॉलोनी के परेशान है? सब पूरा संगम नगर और 51 नंबर स्कीम और उससे लगा हुआ जो एरिया है आगे का वो भी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।